हे गाइस वेलकम बैक टू कनेक्ट इंस्टीट्यूट। मैं हूं मनदीप। आज के हम बात करने वाले हैं कि आप डोमेन कैसे खरीदेंगे अपने वेबसाइट के लिए या फिर अपने ब्लॉगिंग की जो भी वेबसाइट है उनके लिए। तो नॉर्मली अगर आप डोमेन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो जरूर है कि आप अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं या फिर आप ब्लॉगिंग के लिए वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं जिसके लिए आपको डोमेन चाहिए। और डोमेन खरीदते समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कम पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए और हमें कुछ ट्रस्टेड वेबसाइट से ही डोमेन खरीदना चाहिए। इससे ये फायदा होगा कि नेक्स्ट ईयर भी आपको वहाँ से डोमेन मिल पाए। कई बार फ्री डोमेन देकर नेक्स्ट ईयर अधिक चार्ज ले लेते हैं, तो इन सबसे बचने के लिए हमें ट्रस्टेबल वेबसाइट से डोमेन खरीदना चाहिए। नंबर टू कि अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं चाहे अपने बिजनेस के लिए चाहे फिर आप नॉर्मली कोई भी काम के लिए, तो मैं आपको अगले वीडियो में पूरा कंप्लीट सिखाने वाला हूं कि 10 मिनट के अंदर एक अट्रैक्टिव वेबसाइट कैसे बनाएंगे। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि लाइव प्रोसेस किस तरह से डोमेन खरीदना है, अगर डोमेन में हमें डिस्काउंट मिलेगा तो हम उस पर प्रमो कोड कैसे अप्लाई करेंगे जिससे हमें रेट थोड़ा कम मिल जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके भी फीडबैक दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को देखते हैं। वीडियो के एंड में आप हमें कमेंट करके अपना बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसके लिए हमें अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आना पड़ेगा ताकि मैं आपको लाइव प्रोसेस दिखा पाऊं। चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हमें डोमेन को परचेज करना है और इसके लिए मैं कौन सा वेबसाइट यूज करने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं। तो इसके लिए अपने कंप्यूटर या मोबाइल में कोई भी वेब ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं, चाहे क्रोम हो चाहे फायरफॉक्स मोज़िला हो। तो मैं यहाँ पे अभी क्रोम ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे जिस वेबसाइट का मैं यूज़ करने वाला हूँ होस्टिंगर, मैं इस पर अपनी डोमेन परचेज करने वाला हूँ। याद रहे कि यहाँ पे आपका अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट नहीं है, सबसे पहले आप डोमेन सर्च पे चले जाइए। जैसे आप डोमेन सर्च पे जाएंगे, आपको जो भी डोमेन परचेज करना है उसका नाम डालना है यहाँ पे। जैसे मुझे डोमेन लेना है saShop.in, तो मैंने इसका नाम डाला और मैं इसको सर्च कर रहा हूँ। अगर ये डोमेन होगा तो ये मुझे अवेलेबल दिखाएगा। ये भी चेक कर रहा है और चेक करने के बाद देखिए ये डोमेन अवेलेबल है। 435 रुपया पड़ रहा है इस डोमेन का और एड टू कार्ट पे मुझे क्लिक कर लेना है जिससे ये डोमेन हमारे कार्ट में आ जाएगा। अब जैसे ये कार्ट में आएगा थोड़ा सा टाइम ले रहा है अभी। इसके बाद आपको कंटिन्यू टू कार्ट करना है। अगर आपको इसके लिए वेब होस्टिंग भी खरीदनी है तो आप ये भी ले सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ आप डोमेन परचेज कर सकते हैं। तो मैं कंटिन्यू टू कार्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ये मुझे बोलेगा यहाँ पे कि आपको कितने टाइम के लिए चाहिए। अगर एक साल के लिए चाहिए तो एक साल, दो साल के लिए चाहिए दो साल, तीन साल के लिए चाहिए तीन साल, तो मैं एक साल के लिए खरीद रहा हूँ। यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये रेट बता रहा है। साथ ही साथ अगले साल मुझे इसका क्या पड़ जाएगा रेट रिन्यू करने के लिए, तो वो 546 रुपया पर ईयर का पड़ेगा। ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि अगर आपके पास कोई डिस्काउंट कूपन है, कोई कूपन है तो यहाँ पर डाल सकते हैं जिससे आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हो सकता है, थोड़ा सा डिस्काउंट मिल सकता है। तो अगर मैं देखता हूँ एक बार होस्टिंगर का कोई यहाँ पे आ रहा है क्या, अगर कोई कूपन कोड मिलेगा होस्टिंगर डोमेन नेम प्रमो कोड, अगर कोई मुझे मिल जाए तो मैं यूज करता हूँ प्रमो कोड 2021 के लिए। देखते हैं अगर कोई होगा तो ज़रूर मिल जाएगा। होस्टिंगर कूपन एंड प्रमो कोड देख लेते हैं। तो वेब होस्टिंग के लिए दिया है, VPS होस्टिंग के लिए दिया है, डोमेन के लिए यहाँ पे कोई भी अभी प्रमो कोड अवेलेबल नहीं है, हालांकि रेट कम है। चेकआउट पे क्लिक करना है आपको। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे नेम ईमेल एंड पासवर्ड से आपको अकाउंट बना लेना है, फिर जाके इसको आगे प्रोसीड करना है। मेरे पास अकाउंट है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लॉग इन करूँगा एंड आगे जाके मैं प्रोसीड कर दूँगा। तो आप सबसे पहले अकाउंट बनाइएगा। अकाउंट बनाने के बाद आपको यहाँ पे जो आ जाएगा चेकआउट का ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप आगे बढ़िएगा। तो मैंने इतना प्रोसेस ऑलरेडी अपने अकाउंट में कर रखा था, तो मैं अपने अकाउंट में आ जाता हूँ। यहाँ देखिए मैंने ऑलरेडी कर रखा है सारा कुछ, तो मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे चेकआउट का, तो मैं चेकआउट पे क्लिक कर लेता हूँ। अब मुझे पेमेंट करने के लिए बोल रहा है कि आप पेमेंट करो यहाँ पे। तो पेमेंट करने का ऑप्शन यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। तो आजकल हम लोग इंटरनेट मोबाइल में फ़ोनपे गूगल पे यूज करते ही हैं, तो UPI के थ्रू मैं पेमेंट करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने UPI सेलेक्ट कर लिया। UPI सेलेक्ट करने के बाद अब मेरे पास दो ऑप्शन होता है, या तो मैं UPI से करूँ या तो मैं इसको स्कैन करके पेमेंट करूँ। तो मैं इसके QR कोड को स्कैन कर सकता हूँ। यहाँ पे कुछ एड्रेस मेरे से मांग रहा है तो मैं एड्रेस डाल देता हूँ। ये एड्रेस आप अपना प्रॉपर एड्रेस ना दे तो शायद बेहतर होगा, क्योंकि प्रॉपर एड्रेस देंगे तो ये आपका जो एड्रेस होगा वो पब्लिकली आ सकता है। अगर आप एड्रेस प्रॉपर नहीं देना चाहते हैं तो कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं, अदरवाइज आप अपना एड्रेस डालते हैं तो उनको चाहते हैं कि पब्लिकली नहीं आए, तो उसके लिए आपको डोमेन प्राइवेसी परचेज करना होगा। एंड GST नंबर ऑप्शनल है, इसको छोड़ देते हैं। कंटिन्यू
विथ पेमेंट पे क्लिक कर लेते हैं। तो अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अब ये नए टैब में ओपन हो चुका है और यहाँ पे प्रोसेस होके ये मुझे पेमेंट के पेज पे लेके आ गया है। थोड़ा सा रुकते हैं, ये कैश फ्री का पेमेंट गेटवे थोड़ा सा टाइम ले रहा है। कोई भी पेमेंट गेटवे हो उससे कोई फ़र्क नहीं है आपको। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, या तो UPI से पेमेंट करूँ या तो स्कैन करके करूँ। तो मैं स्कैन करके कर देता हूँ, मेरे लिए शायद ज़्यादा ईजी रहेगा। तो अभी पेमेंट करने के लिए मुझे अपने पेमेंट ऐप जो भी मैं यूज करता हूँ उसको ओपन करना है एंड स्कैन करके पे करना। मैं अगर आपको ये बताऊँ तो शायद उचित नहीं होगा, ये ऑलरेडी आप जानते होंगे। तो मुझे स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद मुझे पे पे क्लिक करके, अपने मोबाइल में आ रहा है मेरा ये चीज़ें, पे पे क्लिक करके मुझे इसको पेमेंट कर देना है। प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग होने के बाद मेरे मोबाइल में जैसे पेमेंट सक्सेसफुल होगा ये ऑटोमेटिकली वेबसाइट लोड ले लेगा, रीलोड हो जाएगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। देखिए यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल आ गया लिखा हुआ और ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा मेरे वेबसाइट पे। इनके बाद नॉर्मली मेरे अकाउंट में ही चला जाएगा, डोमेन ऐड हो जाएगा कि आपने ये डोमेन परचेज किया है। अब इसका आप क्या कर लो कि इसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लो, अपना एड्रेस डाल दो, सारा कुछ वो डालने के लिए मुझे बोलेगा, जो कि मैं अभी अगर कहता है तो मैं कर लेता हूँ आपके सामने, अगर नहीं कहेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। तभी थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ पहले। तो डोमेन जो मैंने लिया था ssop.in, ये मुझे कह रहा है कि आप इसको कंप्लीट कर लो अपने डोमेन रजिस्ट्रेशन को। तो मैं क्लिक करके इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा कंप्लीट होने में और ये हो रहा है स्लोली स्लोली। सो गाइज, अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन परचेज कर लिए हैं या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप यहां से भी परचेज कर सकते हैं। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आप GoDaddy, BigRock किसी से भी खरीद सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको अपनी बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाना है तो अगले वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि आप उससे ईजिली वेबसाइट बना सकते हैं। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।